नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत तो अपने चाहने वालों को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। दरअसल सुशांत की आत्महत्या के बाद नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। फिल्म मेकर करण जौहर कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, वहीं कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। इस बीच आयुष्मान खुराना की किताब क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड का एक पन्ना वायरल हो रहा है। इसमें आयुष्मान खुराना ने बताया है कि कैसे उन्हें करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। इस पन्ने में आयुष्मान खुराना ने खुलासा किया है कि जब वो बतौर रेडियो जॉकी काम करते थे, तब उन्होंने करण जौहर का इंटरव्यू लिया था। ये बात साल 2007 की है। आयुष्मान खुराना ने अपनी इस किताब में बताया है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने करण जौहर से उनका नंबर मांगा और कहा कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। करण ने मुझे अपने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दिया था। मुझे उसी समय बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था। मैंने प्लान बनाया कि मैं उन्हें सुबह 11:30 के आसपास कॉल करूंगा, जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे और बात करने के लिए उपलब्ध होंगे। अगले दिन मैंने उस नंबर पर डायल किया जो उन्होंने मुझे दिया था। उधर से किसी ने कहा कि करण ऑफिस में नहीं है। उस दिन के बाद मैंने फिर उन्हें कॉल किया तो उधर से फिर मुझे कहा गया कि वो बहुत बिजी हैं। इसके बाद जब फिर मैंने कॉल किया तो मुझसे कहा गया कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। बता दें कि आयुष्मान खुराना की बुक के इस पन्ने को द दिसंबर गर्ल की एक यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था और साथ ही में लिखा, दिस इज हाउ आयुष्मान खुराना एक्सपोज्ड करण जौहर वंस। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि आयुष्मान खुराना ने सालों पहले ही अपनी बुक के जरिए करण जौहर का काला चिट्टा सबके सामने रख दिया था। वैसे भी करण जौहर पर भी कई बार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लग चुके हैं। खुद कंगना रनौत भी करण जौहर को नेपोटिज्म के चलते कई बार लताड़ चुकी हैं।